बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं खालिद जोय संगेड़ा, चेयरमैन अकीका पंजाब, मरकजी सदर एप्टा पाकिस्तान। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क्यादत, जिस तरह हमने पहले दिन अपने मुलाजमीन से वादा किया था, हमारी क्यादत लाहौर में मौजूद है। कुछ क्यादत यहाँ खड़ी है और कुछ क्यादत जो है वो कुछ ऐसी जगहों पर है कि जहाँ पर जो हमारे मुतालबात के लिए या हमारी बात के लिए वहाँ उनका जाना जरूरी था। तो इंशाल्लाह इस वक्त तक हालात इंतहाई पॉजिटिव जा रहे हैं और जो मैं देख रहा हूँ कि इस वक्त मुलाजमीन की बात एक ट्रेंड बन चुकी है और आज अल्हम्दुलिल्लाह एक पार्टी की तरफ से बड़ा स्ट्रांगली जो है पंजाब गवर्नमेंट को आगाह कर दिया गया है कि हर सूरत में ये नोटिफिकेशन विदड्रा करना है। और इंशाल्लाह हमने भी स्ट्रांग मैसेज दिया है कि ये नोटिफिकेशन हमने हर सूरत कैंसिल करवाना है, चाहे इस नोटिफिकेशन के कैंसलेशन जो के लीव एनकैशमेंट वाला है, जो के वफाक की तर्ज पर 35%, 30% और 17.5% तनख्वाह पेंशनों का मामला है, ये हमने फैसला कर लिया है कि हमारी क्यादत अगर जेल में भी होगी, अगर कहीं भी होगी, हमारे साथ जो कुछ भी होगा, हमने इस नोटिफिकेशनों को कैंसल करवाना है इंशाल्लाह हर हालत में। इंशाल्लाह अभी जो चीजें मैं देख रहा हूँ, मेरी क्यादत देख रही है, अभी हम शेड्यूल देने की नहीं बात कर सकते क्योंकि हम मुलाजिम हैं। कल शाम तक हम मजीद देख रहे हैं, कल शाम को इंशाल्लाह या कोई अच्छी खुशखबरी होगी या फिर मेरी क्यादत देख रही है जो तय करेगी उसी तरह हम करेंगे, लेकिन वो काम होगा जो मुलाजमीन के लिए बेहतर होगा। नंबर बनाने की इधर उधर की कोई बात नहीं है, मेरी क्यादत ने एक ही फैसला किया है कि हमने जो मुलाजमीन के मुकदमा है इसको लड़ना है, हर सूरत लड़ना है, हर सूरत इसको विन करना है, विन करना है, विन करना है। इंशाल्लाह जीत मुलाजमीन की होगी, जीत मुलाजमीन की होगी। जो दीवार इसके सामने आएगी इंशाल्लाह उस दीवार को गिरा देंगे, गिरा देंगे। मुलाजमीन का यह मसला हल करवाना है, करवाना है, करवाना है इंशाल्लाह।